नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेव धीरज है। आज हम टॉपिक लेने वाले हैं कि किस प्रकार से आप स्विगी और जोमैटो की ऐप पे अपनी करंट लोकेशन को चेंज करेंगे, आप अपना मोबाइल नंबर कैसे अपडेट करेंगे, सिनेरियोस क्या होते हैं, मैं आपको वो बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आप ऑलरेडी रेस्टोरेंट चला रहे थे और आपने अपनी जो लोकेशन है कम्प्लीटली बदल दी है, या आप क्लाउड किचन चला रहे थे, आपने कम्प्लीटली अपनी लोकेशन बदल दी है, 3-4 किलोमीटर के अंतर में आप कहीं और चले गए हैं, या फिर आप जो सेम गली में जहाँ रहते थे वहीं से छोड़ के आपने तीसरी चौथी दुकान ले ली है, या आपने गली चेंज कर ली है, तो आपको अपनी लोकेशन चेंज करनी पड़ती है। या फिर आप अपने घर से ही क्लाउड किचन चला रहे थे, आप सेकंड फ्लोर पे रहते थे, आप थर्ड फ्लोर पे चले गए, फर्स्ट फ्लोर पे चले गए, या आप उसी अपार्टमेंट की किसी और बिल्डिंग में चले गए, तो आपको अपनी लोकेशन चेंज करवानी पड़ती है। यहाँ पे दो सिनेरियो आ गए हैं, या तो आप कंप्लीटली उस एरिया को छोड़ के कहीं और जा रहे हैं, या आप उसी जगह पे जहाँ आप काम कर रहे थे वहीं पे किसी आजू बाजू की जगह पे आपने ले लिया है। पर आपको दोनों ही सिनेरियो में अपनी लोकेशन चेंज करनी चाहिए। पहले सिनेरियो में जब आप दूर जा रहे हैं 2-4 किलोमीटर दूर, तो आपको चेंज करनी ही पड़ेगी। पर दूसरे सिनेरियो में जहाँ पे कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे आ गए, या इस गली से उस गली में चले गए, तो आपको लगता है हमारी सेम लोकेशन ही चल चल जाएगी। पर यहाँ पे आपने देखा होगा कि जब भी आपके पास ऑर्डर्स आते हैं, तो राइडर्स आपकी पुरानी लोकेशन पे पहुँच जाते हैं, चाहे वो पास ही क्यों ना हो, पर वो आपको बोलते हैं कि आप अपना खाना यहीं पर लेके आइए, क्योंकि हमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपकी लोकेशन जो रेस्टोरेंट की वो यहीं पे दिखा रहा है, क्योंकि हमारी भी ट्रैकिंग होती है, हमें भी देखा जाता है कि हम लोग कहाँ कहाँ पे घूम रहे हैं, कहीं हम बोल के कि ऑर्डर वहाँ पिक करना है और हम लोग कहीं और तो नहीं जा रहे हैं, और वो ये बिल्कुल सही बोलते हैं, इसमें भी कोई गलत बात नहीं है, और जबकि रेस्टोरेंट बहुत ही करीब ही आपका नई लोकेशन से होता है। तो सिंपल से आपको करना यही होता है, आपको अपने जो रेस्टोरेंट की लोकेशन चेंज करनी होती है, और आप ये सारे काम बड़े ही इजीली से कर सकते हो और अपने आप ही कर सकते हो। अब आपको जब भी लोकेशन या अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना है, तो आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जिसके के द्वारा आप लोग ये सारी चीज़ें चेंज करोगे। सबसे पहले आपको अपने रेस्टोरेंट की जो आईडी है वो मालूम होना चाहिए, आपको अपने रेस्टोरेंट का नाम मालूम होना चाहिए, आप किस सिटी में हो वो मालूम होना चाहिए, जिस भी सिटी में आप चेंज करने वाले हो, सिटी या सेम ही सिटी होगी अगर आप चेंज कर रहे हो। उसके अलावा आपको अपनी पुरानी लोकेशन मालूम होनी चाहिए, आपको अपनी नई लोकेशन मालूम होनी चाहिए, आप नियर बाय भी कुछ लिख सकते हो। उसके अलावा आपको अपना पुराना नंबर वहाँ पे लिखना है, आपको अपना नया नंबर लिखना है, और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अपने नए रेस्टोरेंट का पता होना चाहिए। अब ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है मैं आपको वो बताता हूँ। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है वो परफेक्ट लोकेशन, जिसको कि हम लोग हिंदी में अक्षांतर और देशांतर रेखाएं बोलते हैं। आप जहाँ भी नई लोकेशन चूज़ करना चाहते हैं, आप वहाँ पे खड़े होके गूगल के मैप में डाल दीजिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड करंट लोकेशन का, तो आपको वो फिगर आ जाएगा, सेम वही फिगर आप लोग कॉपी कर सकते हो। अब ये सारी इंफॉर्मेशन लेके आपको मेल करना होता है स्विगी और जोमैटो को। अगर आप यहाँ पे अपना जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड नहीं देते हो, तो आपकी जो लोकेशन हो सकता है कि गड़बड़ हो जाए, क्योंकि जैसे हमारे हिंदुस्तान में कोई चीज़ यहाँ पे दिखाई जाती है पर वो होती किसी दूसरी जगह है आजू बाजू में ही, तो इसलिए ही हम जो ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है वो लिखते हैं। अब आपको ये सारी चीज़ें लिख के स्विगी और जोमेटो को आपको मेल करनी होती है, और मेल आपको करनी होगी आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से। जी हाँ, आपको ये ध्यान बहुत ही ज़्यादा रखना है, आपको सिर्फ अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से ही मेल करनी है, नहीं तो वो चेंज नहीं करेंगे। जब ये सारी इंफॉर्मेशन लिख के आप स्विगी और जोमेटो को भेज देते हैं, जो भी स्विगी और जोमेटो की ईमेल्स हैं कस्टमर केयर की, मैं अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप उनको लिख के भेजते हैं, तो मैं आपको इवन यहाँ स्क्रीन पे भी लगा दूंगा आपको क्या क्या लिख के भेजना है। आप ये सारी चीज़ें लिख के भेज दें तो आपकी लोकेशन जो चेंज हो जाती है within 2-3 days। अगर आप ये लिख के नहीं भेजते हैं, तो फिर से वो आपको मेल करते हैं, आपको फिर से तकलीफ़ होती है, और आपको बार बार मेल्स का जवाब देना पड़ता है। तो एक बार में ही आप ये सारी चीज़ें लिख के उन्हें भेज सकते हैं, और अपने रेस्टोरेंट की लोकेशन और नंबर इजी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे दो तरीके के नंबर होते हैं, एक नंबर होता है ऑनर का जो आप अपने लिए रखते हो, और दूसरा नंबर होता है हमारा ऑर्डर नोटिफिकेशन नंबर, मतलब कि जब भी ऑर्डर आएगा तो उस नंबर पे आप लोगों को बताया जाएगा कि भैया इस नंबर पे ऑर्डर आया है। तो हमेशा आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि अगर आप अपना नंबर चेंज कर रहे हैं या फिर ऑर्डर नोटिफिकेशन नंबर चेंज कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें मेंशन करनी होगी, या फिर आप दोनों नंबर सेम रखना चाहते हैं तो वो भी आपकी मर्जी है। तो इस प्रकार से आप ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी अगर आपके कुछ भी क्वेश्चन है, आपके चाहे क्लाउड किचन से रिलेटेड हो, टेक अवे रेस्टोरेंट से, या घर से भी अगर आप लोग काम कर रहे हो,
तो आप नीचे नीचे मुझे मेंशन कर सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे भी जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है आपको नीचे इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट हो, मुझे लिख के आप भेज दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।